हाउ डू वी रैंक वेब सर्च स्ट्रेटजीज इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास जो डिफरेंट वेब पेजेस हैं उनको हम कैसे रैंक करते हैं इससे मुराद ये है कि अगर मैं गूगल पे अपनी एक क्यूरी लिखूँ तो कौन से पेजेस सबसे पहले आएंगे अब कॉमन सेंस इसमें क्या कहती है लॉजिक क्या कहती है लॉजिकली ये होना चाहिए कि लट्स कि अगर मैं एक जगह पर बैठा हूँ और मैंने अपना एक पहले क्यूरी लिखी और एक रिजल्ट मैंने लिया और उसको रीड करके यूज़ कर लिया फॉर सम पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक टाइम ने उसे ओपन रखा तो गूगल को इंटेलिजेंट होना चाहिए या किसी भी सर्च इंजन को इंटेलिजेंट होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम जब सर्च करूंगा तो वही पेज दोबारा ओपन हो क्या ऐसा ही होता है इसका आंसर जो है वो तीन स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज कुछ इस तरह हैं रैंक वेब पेजेस बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी जैसे लेट्स से कि मैंने गूगल पर जाके लिखा बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट तो क्या होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिकेट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो इंडियन लोगों का है तो लाह माला जो बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट आएगा वो इंडियन क्रिकेटर ही होगा उसकी रीज़न क्यों होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरीज जो पॉपुलरिटी वाइज होगी वो इंडियन आबादी ज़्यादा है और उनके क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरजीह भी दी जाती है तो सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट बेहतर आएंगे वो इंडियन प्लेयर से रेलिवेंट होंगे रैंक वेब पेज बेस्ड ऑन वर्ड फ्रिक्वेंसी इससे मुराद क्या है कि ऐसा क्रिकेटर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं वो पर आएगा मे बी जैसे पॉपुलर क्रिकेटर की अगर मैं बात करूँ करंट टाइम में मे बी आंसर यहाँ पर आ जाता है विराट कोहली जो करंट टाइम में प्लेयर खेल रहा है लेकिन जब हम वर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हो सकता है ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आज तक डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं मे बी वो सचिन तेंडुलकर निकला है या मे बी कोई और पुराना प्लेयर ऐसा प्लेयर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर इनफॉर्मेशन मौजूद है लेट्स हम इसको यहाँ पर सचिन कह देते हैं मैच क्यूरी टू एन एक्सपर्ट डाटा अब ये जो चीज़ है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम यूजर्स परस्पेक्टिव अब ये क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी जो उस डोमेन के एक्सपर्ट लोगों ने की है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं जी बेस्ट प्लेयर ऑफ़ क्रिकेट तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब इसमें वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो क्रिकेट से रेलिवेंट लोगों ने कहा है या एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यार ये बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट का मे बी आंसर बिकम्स डॉन ब्रेडमेन या इसी तरह विवन रिचर्ड्स और वट तो ज़रूरी नहीं कि वो करंट प्लेयर हो या जो यूज़र्स की क्यूरीज हैं या यूज़र्स के आंसर्स हैं उसकी बेस पे निकले तो ये तीन एग्जांपल्स जो है हमारे पास सच स्टैट की मौजूद हैं अब होता क्या है कि, कि अक्सर जो सर्च इंजन हैं इन तीनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं बजाय इसके कि एक टाइम पे एक को यूज़ करें तीनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं अब थोड़ा सा इनको डिटेल में वन बाय वन देखते हैं पहली है रैंक बेस्ड ऑन वर्ड फ्रीक्वेंसी इसका मतलब क्या है कि की सर्च की मदद से आप सर्च आउट करोगे कौन सी चीज़ हमारे पास निकाल रही है तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है वर्ड्स इन द टाइटल की इन द मेटा टैग वर्ड फ्रीकुवेंसी और डॉक्यूमेंट लेंथ जैसे मैंने अभी बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स इंटरनेट पर मौजूद होंगे जिस डॉक्यूमेंट के अंदर वहाँ से वो उसे सर्च करके ले आ जाएगा और इसी तरह हमारे पास अल्टरनेटिव वर्ड फ्रीक्वेंसी के भी डिफरेंट मयस मौजूद हैं जिनके अंदर हम क्या चीज़ें करते हैं जैसे से कि हम डिफरेंट थेसारस यूज करते हैं इसी तरह हम साइब सिनोनिम्स हाइपरिम्स एंटोनिम्स इन चीज़ों को यूज़ करते हुए सर्चिंग करते हैं अच्छा रैंक बेस्ड ऑन पॉपुलरिटी इससे मुराद क्या होता है कि ये जो है साइटेशन इंडेक्स को यूज़ करता है जैसे गूगल की स्ट्रैटेजी क्या है कि रैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लिंक्स टू अ पेज पेज विद हाई रैंक है लॉट ऑफ अदर वेब पेज इज़ दैट लिंक टू इट और ये इसी तरह ये हमारे पास फार्मूला जो है गूगल के वेब पेज पर भी मौजूद है इसी तरह ये जो गूगल की सारी इन्फॉमेसन है इसके ऊपर आ रही है एक्सपर्ट डाटा बेसिस ये वो इन्फॉमेसन है जो याहू यूज़ करता है अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक्सपर्ट डाटा बेस मौजूद है जिसके अंदर प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स मौजूद हैं टू कॉमन क्यूरीज़ और सिंपल हमारे पास तो अप्रोच क्या होगी कि हमारे पास जब भी हम कोई क्यूरी दें जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी कि बेस्ट क्रिकेटर की तो जो डोमेन के एक्सपर्ट्स ने जो आंसर दिए हुए हैं वो हम थ्रू याहू उसके अंदर फीड कर दें तो अब होगा क्या कि इसकी जो सिलेक्शन होगी वो एज कम्पेयर टू पहले दो रिजल्ट के मामले में स्मॉल होगी लेकिन इट विल बी मोर यूजफुल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू अप्रोचेस